मैं आज की इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्जन 4 जो है FGS का दोनों मॉडल के बारे में। यहाँ पे स्टैंडर्ड खड़ी है, यहाँ पे डिलक्स खड़ी है, दोनों में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है। प्राइसिंग की बात कर ले तो यही अराउंड 1 से 1.5 हज़ार का ही डिफरेंस है। स्टैंडर्ड की आप लोगों को ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है 1,58,000 के बीच में, वहीं ये डिलक्स की बात कर ले तो ये 1,60,000 के अराउंड चल जाती है। तो यहाँ पे मात्र यही 1 से 1.5 हज़ार का डिफरेंस है। बाकी और क्या कुछ डिफरेंस है फिलहाल प्राइस फ्रंट से स्टार्ट करें तो ये फ्रंट लुक दोनों में ही सेम फ्रंट लुक दे रखी है कंपनी। यहाँ पे भी जो DRL है वही सेम DRL इसमें भी देखने को मिल जाएगा। इसमें जो हेडलाइट सेटअप है वो भी सेम हेडलाइट सेटअप इसमें भी देखने को मिल जाएगा। इसमें भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यहाँ पे भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जा रहा है। इसकी जो अलॉयज है का साइज वगैरह है वही सेम अलॉयज का साइज इसमें भी दे रखी है, लेकिन वहाँ पे अलॉयज का कलर अलग देखने को मिलेगा डिलक्स वाली मॉडल में। लेकिन स्टैंडर्ड में दो कलर आता है, एक मैट कलर जो कि ब्लैक में साथ है और एक मैट ब्लू। दोनों में ही आप लोगों को अलॉयज का कलर ब्लैक देखने को मिलेगा, लेकिन डिलक्स में 3-4 कलर आता है, सब में अलॉयज का कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे एक डिफरेंस हो गया कि दोनों बाइक में अलॉयज का कलर डिफरेंस है। बाकी इसमें भी 17 इंचेस का टायर है, इसमें भी 17 इंचेस का टायर है, लेकिन इसमें आप लोगों को MRF का टायर मिल रहा है, इसमें C8 का टायर मिल रहा है, एक ये डिफरेंस हो गया और बाकी सब कुछ सिमिलर है। इसमें भी आप लोगों को जो टायर है वही सेम, इसमें भी टायर साइज है, साइज सेम है दोनों का 17 इंचेस। इसमें भी जो डिस्क ब्रेक है वही सेम डिस्क ब्रेक, इसमें भी है 282 mm का। इसमें भी ABS है, उसमें भी ABS है फ्रंट टायर में। बाकी यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस अलॉयज का कलर और टायर का कंपनी है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी साइड एक बार दिखा दूँ तो ये है कुछ स्टैंडर्ड का और ये है डिलक्स का। दोनों में कलर पेंट का भी डिफरेंस है, इसमें आप लोगों को मैट फिनिशिंग में कलर देखने को मिलेगा, ग्लॉसी मतलब शाइनिंग के साथ किसी भी वेरिएंट में कलर नहीं है। और जो डिलक्स वाली मॉडल है उसमें पूरी ओवरऑल शाइनिंग के साथ कलर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें भी 3D लोगो है, इसमें भी 3D लोगो है, दोनों का टैंक सेम है। इसमें भी 13 लीटर का टैंक है, इसमें भी 13 लीटर का टैंक है, दोनों का मीटर सेम है। जो इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है मीटर में वही सेम डिलक्स में भी मीटर है। इसमें भी ब्लूटूथ है, उसमें भी ब्लूटूथ है, दोनों की हैंडल बार सेम है देख सकते हो। दोनों में इंजन सेम है, उसमें भी 150 cc का इंजन है, इसमें भी 150 cc का इंजन है, वो भी 12 point something का BSP का पावर जनरेट करता है, ये भी 12 BSP का पावर जनरेट करता है, वो भी सब कुछ सेम है भाई। उसमें जो माइलेज है वो भी सेम इसमें माइलेज है। इसमें भी सीट अटैच है, उसमें भी सीट अटैच है, लेकिन डिलक्स की क्या है कि सीट में थोड़ा अलग कलर देखने को मिल जाएगा अगर इसके ब्लैक वगैरह कलर में जाओगे तो। और ये जो स्टैंडर्ड है इसमें सीट कलर सेम ब्लैक में ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें सीट का कलर अलग देखने को मिल जाएगा। यहाँ दूसरा डिफरेंस हो गया और तीसरा कलर का डिफरेंस। बाकी रियर दोनों सेम है, इसमें जो हैंडल बार है उसमें भी सेम, मतलब बैक ड्राइव रेल सब कुछ सेम है। वहाँ पे टेल लैंप LED है, यहाँ पे भी टेल लैंप LED है, उसमें भी LED फ्लैशर है, टर्न इंडिकेटर इसमें भी LED फ्लैशर टर्न इंडिकेटर सब कुछ सेम है। उसमें भी टायर अगर, इसमें भी टायर अगर, लेकिन यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है वो सेम है। लुक दोनों का सेम है एग्जॉस्ट का, लेकिन यहाँ पे जो मफलर है वो चेंज है। इसमें ब्लैक में मफलर है, उसमें आप लोगों को सिल्वर फिनिश में मफलर देखने को मिल जाएगा, तो वो बस मफलर का कलर चेंज है। बाकी दोनों बाइक में आप लोगों को सिंगल स्टैंड सेंटर स्टैंड है। सेफ्टी के लिए रियर टायर में दोनों ही बाइक में आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, लेकिन रियर टायर का जो एलॉयज का कलर जैसे कि फ्रंट में डिफरेंस है वैसे दोनों बाइक में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड में ब्लैक में देखने को मिलेगा और डिलक्स में ग्लॉसी अलग कलर मतलब ब्लू कलर वगैरह में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें भी 220 mm का डिस्क ब्रेक है, इसमें भी 220 mm का डिस्क ब्रेक है, सब कुछ सेम है भाई। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 डिफरेंस है। क्या क्या है जल्दी बताऊँ तो एलॉयज का कलर चेंज है दोनों बाइक में, दोनों में पूरा ओवरऑल बॉडी कलर चेंज है, दोनों की सीट चेंज है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो कैसे लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना। आई होप मैं सारा डाउट क्लियर कर दिया हूँ। अगर दोनों बाइक में से जो भी पसंद है एक बार नीचे कमेंट करके बताना, स्टैंडर्ड पसंद है या फिर डिलक्स। कैसे लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बाइक कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी और न्यू बाइक से रिलेटेड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सेफ, बाय।